स्टाइल विद ब्यूटी के किचन में आप लोगों का स्वागत करते हुए आज मैं बना रही हूँ फिश पुलाव। तो फिश पुलाव बनाने के लिए मैं यहाँ पे चावल ली हूँ, गोविंद भोग चावल, इसमें मैं घी मिला ली हूँ। तो उससे पहले मैं बता दूँ कि इस चावल को मैं पहले एक घंटा सोक करके रखी थी पानी में और उसको पानी से छान के अलग रख ली थी। इसमें मैं नमक डाली हूँ, हल्दी डाली हूँ, रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ और मैं चीनी डाल रही हूँ थोड़ा सा। तो ये नमकीन मीठा तीखा बनेगा। इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, तो दो प्याज मैं पीस के इसमें डाली हूँ। और मैं यहाँ डाल रही हूँ 4 चम्मच लगभग दही। और मैं यहाँ पे गरम मसाला डाली हूँ। तो गरम मसाला को मैं खड़ा गरम मसाला को ग्राइंड कर ली हूँ पानी देके, तो इसका एक बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। इन सबको मैं अच्छे से मिला लूंगी और मिला के मैं इसको मैरिनेट करके अलग रख दूंगी। इसको मैं 2 घंटा मैरिनेट करके रखूंगी। तो बहुत अच्छे से मुझे इसको मिला लेना है। मिला के मैं इसको अलग रख लेती हूँ 2 घंटे के लिए। तो इससे चावल में प्याज का और दही का और सारा मसाला का स्वाद आ जाएगा। तो जब तक मेरा चावल मैरिनेट हो रहा है, मैं यहाँ पे कुछ तैयारी कर लेती हूँ। मैं एक नॉनस्टिक पैन ली हूँ और उसमें मैं एक लेयर बिछा रही हूँ तेज पत्ते का। तेज पत्ते का मैं एक अच्छे से लेयर बिछा दे रही हूँ। आप लोग वही मछली ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसका सर का पोर्शन और पीछे का पोर्शन नहीं देना है, इसका पेट का बीच का पोर्शन मछली का देना है। तो इसी से ये रेसिपी बनता है। और देखिए मेरा चावल मैरिनेट हो गया है। अब मैं इस तेजपत्ते की लेयर के ऊपर में एक लेयर बिछा दूंगी चावल का, जो मैं मैरिनेट करके रखी थी। इसका मैं बहुत अच्छे से एक लेयर बिछा दूंगी।